वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस आज जो आप देख रहे हैं इसमें आपको बताऊंगा कि क्यूब को सॉल्व कैसे करना है। यानी कि हमारे पास अभी दो क्यूब है, ये स्क्रैम्बल क्यूब है और ये सॉल्व स्ट्रिप वाला क्यूब है। तो इसको हम स्क्रैम्बल करके सॉल्व करने वाले हैं। जैसे ही ये स्क्रैम्बल हुआ है तो मैं इसको भी स्क्रैम्बल करके सॉल्व करने की टेक्निक बताऊंगा आपको। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए अभी आपको हम इसको स्क्रैम्बल करके सॉल्व करके बताते हैं, सिखाते हैं। सबसे पहले अभी हम इसको स्क्रैम्बल कर लेते हैं। और क्यूब कितना भी स्क्रैम्बल हो और कैसा भी स्क्रैम्बल हो 100% सॉल्व हो जाएगा। वीडियो के लास्ट तक वीडियो आपको देखनी है। चलिए अभी इसको और स्क्रैम्बल करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जैसे कि येलो सेंटर पीस है और यहाँ पर ग्रीन है, यहाँ पर व्हाइट है, यहाँ पर ब्लू है, यहाँ पर रेड है, यहाँ पर ऑरेंज है। तो इसको आपको क्या करना है, येलो सेंटर पीस ढूंढना है जिस इसमें यहाँ पर येलो सेंटर पीस है। तो दोनों क्यूब में सॉल्व करके बताऊँगा, दोनों में अलग अलग सिचुएशन में सॉल्व करके, ताकि इस क्यूब में जो सिचुएशन आए वो इसमें ना आए, ऐसे में आपको एक बार बता दूंगा। चलिए अभी हम आपको कुछ बता दें सॉल्व करने की टेक्निक। तो यहाँ पर ये वाइट एजेस वाला पीस लग चुका है, तो इसे हमको चारों बार एजेस पीस लगानी है। यानी कि 1, 2, 3, 4, ये चार एजेस पीस लगने होते हैं। इधर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर येलो सेंटर पीस है और वाइट पीस क्यों लगाना है, तो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक तो ये लग गया, ये किधर है, तो इसको हम ऐसे दो दफा घुमाएंगे तो ये आ जाएगा इधर पर, इसको फ्लिप होना चाहिए। तो इस लेयर को आपको ये करना है, इस तरफ घुमाना है और इसको हम ऐसे लाएंगे तो ये वाला चला जाएगा। तो इसकी जगह एक खाली स्लॉट लाना है, ताकि ये खाली स्लॉट इधर लेकर आए और इसको ऐसे करे तो दो एजेस पीस लग जाएंगे। और अभी हमको तीसरा ढूंढना है, तीसरा पीस ये रहा, तो हम इसको भी आप ऐसे करोगे तो ये चला जाएगा। तो इसको क्या करना है, इसकी जगह ये खाली स्लॉट डालना है, तो इसको भी आपको दो दफा घुमाना है, ये आ जाएगा। उसके बाद एक चौथा पीस की तरह चौथा ये रहा, तो ये इसको भी हम ऐसे करेंगे तो ये चला जाएगा। तो इसकी जगह पर भी ये वाला खाली स्लॉट डालना है। उसके बाद इसको ऊपर करेंगे तो ये चारों एजेस पीस लग जाएंगे। इसको इग्नोर करो, एक कॉर्नर पीस की कोई बात नहीं है, यहाँ पर है आना है, इसके इससे कोई मतलब नहीं। तो भी आपको क्या करना है, ये एजेस पीस तो लग गए, तो इस पे भी मैं लगा लेता हूँ। इसमें भी एजेस पीस लग चुके हैं और अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये दो कलर मैच हो रहे हैं। व्हाइट वाला पीस है ये और इससे दो कलर ये ब्लू से ब्लू मैच हो रहा है। तो इस लेयर को आपको क्यूब को ऐसे पकड़ लेना है। उसके बाद आपको यह करना है, इस लेयर को दो दफा नीचे करना है और यहाँ पर ऑरेंज है और यहाँ पर ये मैच नहीं हो रहा, तो अभी हम इसको इसे दो दफा घुमा करके इसको मैच कर लेंगे। व्हाइट इसको इसको भी ऐसे करके दो दफा नीचे कर देंगे और यहाँ पर ग्रीन स्लॉट आ जाएगा, तो यहाँ पर ग्रीन से ग्रीन को मैच कर देंगे। व्हाइट पीस को इसको भी ऐसे करके दो दफा घुमा देंगे, रेड तो रेड से पहले ही मैच है, इसको भी दो दफा घुमा देंगे। और दो दो दफा घुमाने के बाद आप जब नीचे से फ्लिप करके देखोगे तो हर एजेस पीस अपने सेंटर कलर से मैच हो जाएगा। इसमें भी हम मैच कर लेते हैं, तो भी ऐसे रख के
आगे आपको क्या करना है, इसको हर साल के दौरान आपको येलो सेंटर पे ऊपर रहेगा, ध्यान रखना हर साल के दौरान आपका येलो सेंटर पीस ऊपर रहेगा। इसमें भी हम ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पर दोनों सेंटर पीस यानी कि येलो सेंटर पीस ऊपर आ चुके हैं। तो अभी हम क्या करने वाले, इस चार कॉर्नर में ऐसा व्हाइट पीस ढूंढेंगे कि जिसमें व्हाइट कलर हो। इसमें व्हाइट कलर नहीं है, इसमें व्हाइट कलर है, और इसमें कौन कौन सा कलर है, ब्लू ऑरेंज व्हाइट, ब्लू ऑरेंज व्हाइट, सेंटर कलर देखने आप ब्लू ऑरेंज व्हाइट। तो इस पीस को सोचा हम ये पीस दे रहे तो आपको क्या करना है, ब्लू ऑरेंज व्हाइट ऐसा होता, ब्लू ऑरेंज व्हाइट इधर है तो इसको आपको इधर लाना है, और ये ऊपर एल्गोरिथम चल रहा है, इसको एक दफा लगा दीजिएगा, आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे, ऐसे करने पर आप देखोगे तो ये वाला पीस लग जाएगा। अभी इसमें व्हाइट कलर है तो इसको ब्लू रेड व्हाइट, ब्लू रेड व्हाइट, तो इसको इधर लाना है, फिर से ये एल्गोरिथम, आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे, इसको भी आप देखेंगे तो ये लग जाएगा। तो इसमें व्हाइट कलर है तो यहाँ पर है ऑरेंज ग्रीन व्हाइट, यहाँ पर ऑरेंज ग्रीन व्हाइट, तो इसको आप दो दफा घुमा करके इधर ले आइएगा। इसके बाद ये एल्गोरिथम आपको दो दफा या चार दफा लगाना होता है, तो अब भी लगा करके बता दें आपको। तो गाइस यहाँ पर तीन कॉर्नर पीसेस तो लग चुके हैं, तो भी हम चौथा कॉर्नर पीस लगाने वाले हैं जो कि यहाँ पर है, और समझ जाना कि तीन लग चुके थे, चौथा इधर ही लग जाएगा, तो इसको दो दफा घुमा करके इस फिर से वही एल्गोरिथम आपको तीन दफा लगाना होगा। चलिए अभी लगाते हैं। तीन दफा लगाने के बाद व्हाइट ये तो सॉल्व हो जाएगा, पूरा व्हाइट कलर एक लेयर, और सिर्फ यही नहीं होगा तो पूरी एक नीचे वाली लेयर सॉल्व हो जाएगी। तो आपको हर सॉल्व के दौरान क्यूब को ऐसे ही रखना है, यानी कि येलो सेंटर पीस ऊपर। तो अभी आपको क्या करना है, दूसरी लेयर को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली ऐसे एजेस में ऐसा कलर पीस ढूंढना होगा कि उसमें येल्लो नहीं है, इसमें येल्लो है, इसमें येल्लो नहीं है, इसमें येल्लो है, इसमें येल्लो नहीं है, इसमें भी येल्लो नहीं है। चलिए अभी हम इसे लेते हैं और इसको ऑरेंज से ऑरेंज मैच हुआ है, और इसको इधर लगना है, यानी कि ऑरेंज ब्लू तो इधर लगना है इस पीस को। तो हम इस लेयर को इस तरफ नहीं, ताकि इस लेयर को हम इस तरफ घुमाएंगे, और जिस लेयर में जाना है इस पीस को, इस लेयर में जाना है इधर, तो इस लेयर को ऊपर करेंगे रिटर्न, फिर से हमने जो एल्गोरिथम लगाया था इस लेयर को, ताकि इस लेयर को इस तरफ लेके आना है और इस लेयर को नीचे करना है, और यहाँ पर आपका एक पेयर बनकर रेडी हो जाएगा। तो ये पीस तो फिर से आप सोच लेंगे इधर आ चुका है और नीचे वाला बिखर गया, तो आपको क्या करना है, जो कि वाइट इस तरफ होगा हमारे राइट साइड पर, तो उसको हमारी तरफ कीजिएगा, और इस लेयर को ऊपर वाली लेयर को एक दफ़ा राइट में कीजिएगा, फिर लेफ्ट वाली लेयर को ऊपर कीजिएगा, और ऊपर वाली लेयर को लेफ्ट में कीजिएगा, और ये सॉल्व हो जाएगा। अब इसको नीचे करेंगे तो ये पीस इधर लग जाएगा। तो ऐसे आपको चारों मैच कर देने हैं। तो भी ये इसको लेते हैं हम, इसमें येल्लो नहीं है, रेड से रेड को मैच करवा देते हैं, रेड से मैच हो गया, तो इसको इस तरफ राइट वाली लेयर को ऊपर, ऊपर वाली लेयर को पीछे, राइट वाली लेयर को नीचे, इसका भी पेयर बन चुका है, तो इसको क्यूब को ऐसे पकड़ लेंगे, इस लेयर को ऊपर वाली लेयर को राइट में, लेफ्ट वाली लेयर को ऊपर, ऊपर वाली लेयर को लेफ्ट में,
लेफ्ट वाले लेयर को नीचे, ऐसे करने पर हमारा ये भी एच पीस लग जाएगा। इसमें भी येल्लो नहीं है तो इसको हम यहाँ पर मैच करवा देंगे, सेम वही टेक्निक, इसको इधर, इसको ऊपर, इसको इस तरफ, इसको नीचे, इसको इस तरफ, इसको ऊपर, इसको इस तरफ, इसको नीचे, ये भी लग जाएगा। और लास्ट वाला तो इधर है। तो हाँ गाइस, अभी आपको एक बात सोचनी है कि इसमें भी येल्लो है, इसमें भी येल्लो है, इसमें भी येल्लो है, इसमें भी येल्लो है, चारों एजेस पीस में येल्लो है और बिना येल्लो कलर वाला इधर ही है, और इसको फ्लिप होना चाहिए। तो अभी आपको सेम वही एल्गोरिथम एक दफ़ा लगाना है और ये एच पीस इधर चलाएगा। चलिए अभी हम इसको बाहर निकाल के बताते हैं। ऊपर वाली लेयर को लेफ्ट में, राइट वाली लेयर को ऊपर, ऊपर वाली लेयर को पीछे, राइट वाली लेयर को नीचे, इसको इस तरफ कर दिए, वाइट पीस हमारी तरफ कीजिएगा, और ऊपर वाली लेयर को एक तरफ, इस तरफ राइट राइट साइड पर, लेफ्ट वाली लेयर को ऊपर, ऊपर वाली लेयर को लेफ्ट साइड, ऐसे करने पर यहाँ पर येल्लो पीस आ जाएगा। और मैंने बोला था कि ये वाला पीस इधर आ जाएगा, तो ये ब्लू को ब्लू से मैच करवा देना है, और इसको इस तरफ, इसको ऊपर, इसको पीछे, इसको नीचे, इसको इस तरफ, वाइट को हमारी तरफ कीजिएगा, इसको राइट साइड पर, लेफ्ट वाली लेयर को ऊपर, ऊपर वाली लेयर को लेफ्ट में, और लेफ्ट वाली लेयर को नीचे, ऐसे करने पर हमारी दो लेयर आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। तो आपको अभी तीसरी लेयर यानी कि एक ही लेयर बची है, और इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। तो अभी हम इसमें भी दो लेयर तक आ जाते हैं, और एक सिचुएशन थी ताकि हमने इस एच पीस को इस तरफ लगाना सीखा है, इस एच पीस को इस तरफ लगाना सीखना है, तो भी मैं वही सिचुएशन में लेकर आता हूँ। तो गाइस यहाँ पर मैंने एक लेयर तो सॉल्व कर ली, और दूसरी लेयर सॉल्व कर रहा था तभी मुझे एक सिचुएशन दिख गई, जो कि आपके साथ हो या ना हो अभी मैं आपको बता देता हूँ। जाके इसमें येल्लो कलर नहीं है और ये ऑरेंज से ऑरेंज मैच है, और इसको इधर नहीं इधर लगाना है, तो आपने इस वाले के ऊपर इधर लगाना सीखा है, तो अभी हम इस पीस को इधर लगाना सिखाते हैं। सिंपली आपने इस लेयर पर ये वाला पीस इधर लगाने के लिए जो एल्गोरिथम यूज़ किया था, उसी को हम एक दफ़ा इस तरफ लगाने के लिए करेंगे। तो अभी हमने इस पीस को इधर लगाने के लिए ऊपर वाली लेयर को इस तरफ किया था, तो इस पीस को लगने के लिए इधर लगने के लिए इस लेयर को इस तरफ कीजिएगा, जिस लेयर में जाना है उस लेयर को ऊपर, वही फिर से रिटर्न, लेफ्ट वाली लेयर को नीचे, वाइट को हमारी तरफ, इस वाली ऊपर वाली लेयर को लेफ्ट में, राइट वाली लेयर को ऊपर, ऊपर वाली लेयर को पीछे, राइट वाली लेयर को नीचे, ऐसे करने पर यहाँ का पीस इधर आ जाएगा, और देख सकते हो यहाँ पर मैच हो गया है। चलिए इस पर भी हम चारों एजेस पीस लगा लेते हैं और दो लेयर सॉल्व कर लेते हैं। तो देख सकते हो हमने भी इस पर दो लेयर सॉल्व कर लिए हैं। तो अभी आपको क्या करना है, इस पर जो सिचुएशन में भी ऊपर एजेस लग चुके हैं, मैंने खुद पर खुद नहीं लगाए, वो अपने आप लग चुके हैं, तो इस पर इस तरह का एल बन चुका है, इसको इग्नोर करो, कॉर्नर किसका कोई काम नहीं था। तो अभी हम इसको ट्विस्ट कर लेते हैं, ऐसे करने पर तो ये नीचे चला जाएगा, पर हमको नहीं करना है ताकि हमको सॉल्व करने में इसकी दिक्कत ना आए। तो अभी आपको क्या करना है, चारों एजेस लगाने के लिए, या ताकि ऐसे चारों एजेस लगाने के लिए मैं एल्गोरिथम बताता हूँ। मैं जैसे जैसे मूस लगाता हूँ वैसे वैसे आपको लगाना है। तो इस एल को, एल तो ऐसा रहता है, पर आपको क्या करना है, ऐसा रखना है ताकि एक एजेस पीस हमारे राइट साइड पर और एक एजेस पीस हमारी तरफ, तो इसको बोलते हैं फ्रंट लेयर। तो फ्रंट लेयर को कुछ इस तरफ कीजिएगा, और राइट वाली लेयर को ऊपर, ऊपर वाली लेयर को लेफ्ट में, राइट वाली लेयर को नीचे, ऊपर वाली लेयर को पीछे, और फिर से हमने जो फ्रंट किया था उसको प्राइम कर दिया, और हमारा यहाँ पर एक सीधी लाइन बन जाएगी। तो आपको क्या करना, उसको ऐसे
वही एल्गोरिथम लगाना है जो हमारा एच आर ओ एच पीस लग जाएंगे। तो इसको इस तरफ ऊपर, इस तरफ नीचे, इस तरफ फिर से ऊपर, ऐसे करने पर हमारे चारों एज पीस लग जाएंगे। तो उसके बाद आपको क्या करना है, ये ऐसे सेंटर पीसेस एजेस के, सॉरी गाइस, एजेस के कलर मैच करने हैं सेंटर पीसेस से। तो इस पर मैच नहीं है तो इस पर मैच हो चुके हैं, इस पर मैच करते ये, और आपको बता दें कैसे मैच करना होता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ढूंढ लेना है कि कोई मैच तो नहीं हो रहा। और अभी आपको क्या करना है, इसको और इसको इग्नोर कीजिएगा, और आपका ये मैच हो रहा है और ये मैच हो रहा है। तो आपको क्या करना है, इसको हमारी तरफ और इसको इसके बैक साइड पर रखना है, और जो मैं एल्गोरिथम इस पर लगाने वाला हूँ वैसा ही लगाना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, ऐसा एल्गोरिथम एक दफ़ा लगाने के बाद एक कलर को इस तरफ और एक कलर को इस तरफ, जो कि हमारे सिचुएशन इस के ऊपर है, देख सकते हो ऑरेंज ऑरेंज से मैच हो रहा है, ब्लू ब्लू से मैच हो रहा है। तो एल्गोरिथम में लगा रहा हूँ, वो एल्गोरिथम आप भी लगाइएगा। बढ़िया, आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, दोबारा यू को उस तरफ, आर को ऊपर, आर यू टू, यानी कि ऊपर वाली लेयर को दो दफा और इसको नीचे। और यहाँ पर अभी आपको मैच करके देखना है। ओ गाइस, सभी मैच हो चुके हैं। तो आपको इन चारों कॉर्नर में से एक ऐसा पीस ढूंढना है जो कि सही जगह पर लगा हो, जो कि इसमें ये सही जगह पर लगा है, क्योंकि हम इसको ऐसे फ्लिप करके करेंगे तो ये लग जाएगा। तो हमको इसको फ्लिप नहीं करना है, ग्रीन ग्रीन की तरफ आ जाएगा, ऑरेंज ऑरेंज की तरफ, येल्लो येल्लो की तरफ। तो इस पर ऐसा पीस हमने ढूंढ लिया है जो कि ये रहा, इसको हम ऐसे फ्लिप करेंगे तो ये भी लग जाएगा। तो हमको फ्लिप नहीं करना है, तो इस वाले एल्गोरिथम को आपको एक दफ़ा और लगाना है, राइट लेफ्ट वाली लेयर को एक दफ़ा ऊपर, ऊपर वाली लेयर को एक दफ़ा लेफ्ट में, राइट वाली लेयर को एक दफ़ा ऊपर, ऊपर वाली लेयर को एक दफ़ा पीछे, लेफ्ट वाली लेयर को नीचे, राइट ऊपर वाली लेयर को एक दफ़ा लेफ्ट में, राइट वाली लेयर को नीचे। ऐसे करने पर आपको सेंटर कलर्स मैच कर लेने हैं। उसके बाद आपको देख लेना है कि कोई मैच हो रहा है या नहीं। एक तो सही जगह पर लग भी गया, ये भी सही जगह पर है। ओ गाइस, ये दो लग गए अपने आप और ये दो रह गए। तो उसके बाद आपको क्या करना है, वाइट को हमारे टॉप पर कर लेना है, येल्लो को हमारी नीचे कर लेना है, और वो पीस जिसको हमारे राइट साइड पर रखना है वो सही जगह पर है, और एल्गोरिथम एक दफ़ा लगाना है। आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे, आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे। ऐसे करने पर ये पीस लग जाएगा, और आपको इस लेयर को दो दफ़ा घुमाना है, और ये एल्गोरिथम चार दफ़ा लगाना है। आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे, आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को पीछे, आर को ऊपर, यू को आगे, आर को। और हमारा क्यूब सॉल्व। तो चलिए इसको भी हम दो क्यूब सॉल्व। तो गाइस, आपने क्यूब सॉल्व करना सीख लिया है, तो इस पर पैटर्न बनाना है तो नीचे कमेंट कीजिएगा, और इसी और मज़ेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक कीजिएगा। तो हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय। और आगे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बाय।